क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डोनेट म्यूजिक में, जहां मिलता है ज्ञान ही ज्ञान और मुझे मिलता है आपका प्यार और सम्मान। दोस्तों, किशोर कुमार साहब के जो फैन है उनके लिए आज मैं एक तोहफा लेके आया हूं। अभी जो आप ये गाना सुन रहे थे, ये गाना था फिल्म अमर प्रेम से, आर डी बर्मन साहब का संगीत, आनंद बख्शी साहब का लिरिक्स और किशोरदा की आवाज। इन तीनों की जोड़ी कमाल की जोड़ी थी अपने समय में। तो आज हम आपको सिखाएंगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, छोड़ो ये ना सोचो। बहुत प्यारा गाना है और इसके कुछ कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इस गाने का ताल है कहरवा। इस गाने में सारे स्वर शुद्ध लगाए, एक जगह कहीं कोमलनी का प्रयोग हुआ है, वो मैं आपको समझाऊंगा। और इसके जो ट्रिक है गाने की जो तरीका है वो आप एक बार सीख लेंगे तो आज के बाद आपको ये गाना बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि इसके कुछ नोट्स है जो आपको पकड़ना है खाली, है ना। और ताल पे कहीं कहीं ऑफ बीट है, ऑन बीट है, वो आपको समझना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, ये क्या हुआ। इसका स्केल मैंने रखा है सी, सी को सा बनाया मैंने। सारे गा मा पा दा नी सा, सारे सुन शुद्ध है, सा नी दा पा मा गा दे सा, एक जगह खाली बस सारे गा मा पा दा नी, कोमली का प्रयोग हुआ है नी, बाकी सब शुद्ध है। अच्छा, इसको अगर कॉर्ड में देखा जाए तो सी मेजर में गा सकते हैं आप इसको, सी मेजर, सा गा पा सा सी ई जी सी, तो आप ये सा गा पा बजा के भी गाना गा सकते हैं। तो पहले लाइन स्टार्ट होता है ग से, ये ग, ग, ये क्या हुआ, ग म प प, तो प ग, ग का मीट लगता है यहाँ पे, लास्ट नोट ग पे आता है, प प ग, ग म प प ग, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, यहां तो दोनों सेम है, सिर्फ देखिए नोटेशन कैसा है, ग ये लंबा, ग म प प ग, ग म प प ग, ठीक है, दूसरा शॉर्ट है। अभी तीसरा लाइन जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, वो ग से नहीं म से है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान देना है इसके ऊपर, क्योंकि यहीं पे कई सिंगर गलत गा जाते हैं, स्केल चेंज हो जाती है उनकी, तो ये नहीं होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा। ग म प प ग, ग म प प ग, तीसरी लाइन म द सा नी, वहां से होता है कब हुआ, ठीक है। फिर से मैं तीन लाइन गाता हूं, देखिएगा चेंजिंग तक, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये क म से म द सा नी प नी प, धा हल्का कन लगा नी धा, लेकिन आप नी प, कब हुआ, ठीक है। इसके बाद तो ये छूटा खा, कब हुआ, प पे छूटा, अब नेक्स्ट लाइन भी प सही है, क्यों हुआ, क्यों हुआ, प प पथा प मा पे छूटा। उसके बाद फिफ्थ लाइन, जब हुआ, ये भी ध्यान से देखिए, अब किधर की ओर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, म के बाद ध से हो गया, जब हुआ, क्यों हुआ, इसके बाद ध से, जब हुआ, इसके बाद नीचे, तब हुआ, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं म से पकड़ता हूं, म से फिर शुरू करता हूं, कब हुआ से, कब हुआ, क्यों हुआ, ये क्या था, मदसानी प पध पध म, अब ध से, जब हुआ,
ध ध नि ध प तब हुआ नी 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 सा नि ध। ठीक है, ओ छोड़ो ये ना सोचो। अभी कैसे हुआ, ओ सापे, ओ छोड़ो सा सा नि ध प, ओ छोड़ो सा सा नि ध प प, ये ना सोचो मागरे प। तो हो छोड़ो कहां छोड़े, हो छोड़ो इप्पा पे छोड़े, हो छोड़ो। ठीक है, पा फिर मां से, ये मां पा मां, ये ना सोचो मगरे पा। और इसके बाद है सोचो, सोचो छोड़ा पा पे, रे 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 रे। अब ये कहां था, ये गा से शुरू था, तो रे के बाद रे 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 गा म प प ग, फिर मुकड़ा आता है दोबारा। ये क्या हुआ, ध्यान से देखिए, फिर कैसे हुआ, अब कब का चेंजिंग, जो कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ, हो छोड़ो ये ना सोचो। ठीक है, अब लास्ट में जो आता है ये क्या हुआ, चांग खत्म करते हैं, वो सा से आता है, सागा ये क्या हुआ, सागा मा पापा। उम्मीद है कि आपको यहां तक क्लियर एकदम समझ में आ गई होगी बात। तो अब हम आपको सिखाते हैं अंतरा। अंतरा शुरू होता है प से, प सा रे गा मा पा, हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ। ये था अंतरा, मैं आपको गा के सुनाया। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे कैसे इसको गाना आपको, अब इसकी मैं आपको गायकी समझाता हूं। हम क्यों, किशोर कुमार साहब के गानों में ये ध्यान रखिएगा, थ्रो आना चाहिए, थ्रो। हम क्यों क्यों शिकवा शिकवा, ये थ्रो चाहिए, तो किशोर कुमार गाना आपको, तो किशोर कुमार का गाना आप अच्छा गा पाएंगे, चाहे वो अपनी आवाज में गाए, हम क्यों बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों। ठीक है, तो स्टार्ट होता गाना प से, हम क्यों, ये कैसे है, प सा सा ग ग ग ग का इसमें एक आभास आती है, आभास आता है, ग का कण लगता है। हम क्यों प सा ग शिकवा करे झूठा, ये कैसे है?
शिकवा करे रेगर गर सा झूठा रे रे गर सनिधा। ठीक है, हम क्यों शिकवा करे झूठा पसा रे गे गे सारे रे गे सारी धा। ये पूरी लाइन का नोटेशन हो गया। धा धा पे छूटा। अब आगे लाइन, क्या हुआ जो दिल टूटा, तो क्या हुआ जो है वो भी धा से ही शुरू होता है। क्या हुआ जो धनी सारे दिल टूटा रे गे 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 सा। ठीक है, दिल टूटा। अब ता के बाद भी एक ज्वाइंट है, ता क्या हुआ जो दिल टूटा धनी सारे गे गे सा। फिर हम क्यों हुई, हम क्यों। अब हम कैसे, ध प सा, पहले प से था हम क्यों, तो चूंकि अभी यहाँ पे बीड लेके आया मैं, ब्रिज बना के आया। क्या हुआ जो दिल टूटा तो सा प ध प सा, अब हम क्यों। ये है सर, थोड़ा कैच है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है बस। हम क्यों, हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम तो हम यहां पे धा से, हम रिपीटेशन में धा से, हम क्यों से सेम नोटेशन है। शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। टूटा जो है लास्ट का स्वर वो सा पे रुकेगा, प पे नहीं आएगा, बस यही चेंज किया रिपीटेशन में। अब अगली लाइन, शीशे का खिलौना था वो सीधा सा, वहां पे छोड़े हमने टूटा, सीधा ग पे आएंगे, ग सारे ग सा ग। तो आप टूटा को थोड़ा मीड लेके आप ग पे आएंगे, टूटा शीशे का खिलौना था, तो आपको और आराम आसानी से वो आसानी से नोट मिल जाएगा। टूटा टूटा शीशे, टूटा शीशे का, तो ग से सीधा आपको पकड़ मिल जाएगी। शीशे का खिलौना था, नोटेशन क्या है, गामा पद सानी पद नीदा प, यहां कोमली लग रहा है, नीदा प शीशे का, गामा पद शीशे का खी लोना था, सानी पद नीदा प। ठीक है, फिर से दिखाता हूं आपको, शीशे का खिलो ना था। अब आगे लाइन, कुछ ना कुछ तो पधसानी पधसानी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हो ना था, ये ध्यान देने वाली लाइन है, बहुत लोग इसमें कुछ भी गा देते हैं, लेकिन सही चीज क्या नोटेशन है, हो ना था धा प ग प हुआ। पिला उसके बाद लाइन, हुआ हुआ रेमा ये, फिर पहले ऐसा आ जाएगा। तो फिर से आपको मैं दिखाता हूं शीशे से, शीशे का खिलो ना था, तो छोड़े कहा पापे, वहीं से अगली लाइन, कुछ ना कुछ तो हो ना था, ये हो ना को ध्यान रखने का लिए, कुछ ना कुछ तो परेशानी, कुछ ना कुछ तो हो ना था, परेशानी धा पा गा पा रे मा हुआ
ये क्या हुआ, ये पहले ऐसा सागा मा पापा, ठीक है। तो इसके जो और दो तंत्र हैं, और जो दो अंतर है वो भी सेम नोटेशन पे, इसी नोटेशन पे। तो उम्मीद करता हूं आप इसको बजा के आप वो अंतरे भी गा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि किशोर दा के गाने कई फैन ने मुझे मुझे लिखा था कि सर आप किशोर दा के गाने नहीं सिखाते हो, जबकि मैं पहले भी गाना सिखाया हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी उनके कई गाने आपको सिखाऊं, जैसे रिमझिम गिरे सावन, और एक गाना था मैंने खिलते हैं गुलियां, वो भी सिखाया था मैंने, अभी ये तीसरा गाना उनका मैंने सिखाया, अभी आगे और भी मैं किशोर दा के गाने भी सिखाऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया।